हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टैग। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास है एक एप्सन M2170 प्रिंटर, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है एप्सन का। तो ये प्रिंटर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। बेसिकली जो है मैं इसकी जो है आपको अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो आप पहले से ही जानते हो, क्योंकि ये कोई नया प्रिंटर नहीं है। मतलब ये प्रिंटर नया है, लेकिन ये मॉडल कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन अच्छा प्रिंटर है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसे हम जो नए प्रिंटर जब हम परचेज करते हैं तो उसे हम जो है सेटअप कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप जो है वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रिंटर को हमने कर दिया अनबॉक्स। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है इसकी जो है ये कुछ आइटम है, इसे हम अभी देखते हैं। और बाकी जो है अब मैं इस प्रिंटर को ऑन करके जो है स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ कि इसे जो हम किस तरीके से सेटअप करते हैं, कैसे इंक रिफिल करते हैं और किस तरीके से इसे सेटअप करते हैं। तो ये इस बॉक्स के अंदर हमें एक ये इंक मिली है 005, और ये केबल है, और ये जो है इसका ये USB केबल है। तो ये सारी चीज़ें लगा के प्रिंटर ऑन करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये अब जो है प्रिंटर पूरी तरीके से मैंने जो है ओपन कर लिया है। सारे रैपर वगैरह जो भी हैं वो सारे इसके निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं हम इंक। तो ये इंक टैंक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है सिंपली जो है इस तरीके से ये लगा देनी है और छोड़ देनी है। तो यहाँ पे जो है इसका इंडिकेटर है इंक का, जो आप देख रहे होगे कि ये नीचे ब्लैक होता जा रहा है जैसे ऐसे इंक इसमें रिफ़िल हो रही है। तो इसे मैं जो है रिफ़िल भरने के बाद जो है ऑन करने वाला हूँ। उसके बाद जो है किस तरीके से सेटअप होता है वही मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इंक जो है पूरी तरह रिफ़िल हो गई है, बोतल हो गई है खाली। इसे कर देते हैं हम यहाँ से बंद। अब करते हैं प्रिंटर को ऑन। तो ये पावर वाला बटन दबाना है और प्रिंटर जो है ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लैंग्वेज। तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से कर लेनी है हमने इंग्लिश कर लेते हैं। तो ये प्रिपेयरिंग यहाँ के पे जो है प्रिंटर की स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जब ये आपको ये वाला मैसेज यहाँ पे दिखाई देता है, तो उसके बाद जो यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा है इसे जो है 5 सेकंड तक आपको दबा के रखना है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, ये यहाँ पे हाउ टू और स्टार्ट। तो ये जो है जब वो स्क्रीन आ जाए तो इसे दबा के जो है यहाँ पे जो है हमने जो इंक जो डाल रखी है इसके अंदर उसे जो है चार्ज करना पड़ता है इसमें। तो उसके बाद आपको यहाँ से जो है स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट वाला बटन जो है यहाँ से दबा देना है। तो यहाँ पे जो है मैसेज लिख के आ गया है कि 10 मिनट कम से कम इसे लगेंगे यहाँ पे जो है पूरी तरीके से रेडी होने में। तो मैं आपको जो है 10 मिनट तक वेट करना टफ हो जाएगा और वीडियो भी जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब ये एंड तक पहुँचने वाला होगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वीडियो को पॉज। तो फ्रेंड ये देखिए अब जो है ये कंप्लीट होने ही वाला है, कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग एंड ही चल रहा है इसका। ये जो इंक इनिशियलाइजेशन है ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, 10 मिनट लगभग पूरे ही लिए हैं इसने। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो है कंप्लीट हो गया है, डन का मैसेज लिखा हुआ आ गया है नीचे। तो उसके बाद कर देना है ओके। यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेपर का अलाइनमेंट है उसे एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से जो है आप जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से जो है एक प्रिंट लेके देख लेते हैं कि कैसा आया है। तो ये इस तरीके का प्रिंट आया है। तो ये जो है पूरी तरीके से जो है अब तो इस तरीके से जो है प्रिंटर का इनिशियलाइजेशन था। जैसे कि आप जो है स्टार्टिंग में नया प्रिंटर ख़रीदते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि किस तरीके से ये प्रिंटर
स्टार्ट होता है, खासतौर पे ये इंक टैंक जो भी प्रिंटर आते हैं। तो यहाँ पे इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो इंक इनिशियलाइजेशन है वो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है इसे जो है 5 सेकंड तक अगर आप दबा के रखेंगे तो जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड फाइनली जो है प्रिंटर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। वो जो वहाँ पे दे रहा था वो कुछ जो है उसके अलाइनमेंट वगैरह सेट करवा रहा था, बस आपको जो है नेक्स्ट 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 करते जाना है और वो एक एक प्रिंट आपको निकाल के दिखाते रहेगा और उसके बाद जो है आपका प्रिंटर जो है इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं एक आपको जो है कॉपी करके दिखा देता हूँ, तो इसकी जो है कॉपी कर लेते हैं हम। तो यहाँ से करनी है कॉपी। तो ये देखिए, तो इस तरीके से जो है ये प्रिंटर को आपको जो है प्रिंटर को रेडी करना है। अब प्रिंटर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये जो है यहाँ पे जो है इसकी पेपर ट्रे है जिसमें कि आपको पेज लगाने हैं और पेज आपका जो है यहाँ से बाहर आता है, इस साइड से यहाँ से जो है आपका पेज बाहर आता है। और ये प्रिंटर जो है ऑल इन वन प्रिंटर है एप्सन का, जिसमें आप फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस प्रिंटर में हो जाती हैं। दूसरी जो इसका फीचर है वो ये है कि ये वाईफाई है, तो आप जो है डायरेक्ट वाईफाई से भी इस पर प्रिंट दे सकते हैं। और जो इसकी कॉस्ट है प्रिंट की, तो पर पेज जो प्रिंट कॉस्ट पड़ती है वो 12 पैसे पड़ती है। और जो प्रिंटर की स्पीड है वो लगभग एक मिनट में 35 से 40 पेज ये जो है यहाँ पे जो आपको प्रिंट करके दे देता है। लैन पोर्ट का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लैन से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है ऑटो डुप्लेक्स भी है, यानी कि जो है डुप्लेक्स प्रिंट भी जो है इस प्रिंटर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रिंटर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है लगभग 16,000 रुपये, 15 से 16,000 रुपये के बीच में वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम। जो ये जो है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, सिर्फ जो है एक ही कलर ब्लैक कलर ही ये जो है प्रिंट कर सकता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि जो है इसका जो टैंक है वो सिर्फ एक है जो कि सिर्फ ब्लैक इंक के लिए है, और 005 जो है इसकी जो इंक है वो इसमें डलती है। तो ये जो है इसकी इंक है जो कि इस प्रिंटर में पड़ती है 005। तो यह है प्रिंटर जो कि है एप्सन का M2170। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे भी जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं कमेंट्स में, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से जो है मैं आपको जो है रिप्लाई करता रहता हूँ। तो जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है वो है iSmartTech77। तो आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर लें और जो भी आपकी क्वेरी हैं आप मुझे वहाँ पे डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।